चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी में चल रहे सियासी महाभारत की खबर से। थोड़ी देर पहले दो बड़े बयान सामने आए हैं, एक एसपी के यूपी अध्यक्ष शिवपाल यादव का और दूसरा एसपी से निकाले गए रामगोपाल यादव का। शिवपाल ने साफ किया है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है, यानी कि ऑल इज वेल है और जो नेताजी कह रहे हैं वो हो रहा है। तो वही रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिना अखिलेश समाजवादी पार्टी का वजूद नहीं है। तो क्या समाजवादी पार्टी में ऑल इज वेल हो गया है? ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं वो किया जा रहा है, पार्टी में सब कुछ ठीक है, ये बात कही जा रही है शिवपाल सिंह यादव की तरफ से। तो जिस तरह से थोड़ी देर पहले बैठक भी हुई है, तो थोड़ी देर में पहले ही यूपी एसपी अध्यक्ष शिवपाल यादव की चार मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। बैठक में तो 5 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन बात हुई है ताजा बवाल पर। बाहर निकलकर शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। शिवपाल ने कहा कि मंत्रिमंडल से हटाए गए चारों मंत्रियों की वापसी होगी। आपको बता दें कि अखिलेश ने दो दिन पहले ही चार मंत्रियों शिवपाल यादव, नारद राय, ओम प्रकाश सिंह और शादाब फातिमा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। शिवपाल ने यह भी कहा है कि पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है वो नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के कहने पर हो रहा है और पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है। सब कुछ ठीक है और मुझे तो नेताजी का आदेश मानना है। नेताजी का कैसा भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, नेताजी के साथ हैं। सर मुख्यमंत्री से कुछ बात हुई आपकी? सर मुख्यमंत्री शिवपाल जी क्या गायत्री प्रसाद प्रजापति क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। लोग रहेंगे पार्टी के, सबसे को मैंने आमंत्रण दिया हूँ, सबसे अपील अमर सिंह भी शामिल, अमर सिंह मैंने सबको अपील किया हूँ। अब कौन आएगा कौन नहीं रहेगा वो तो रजत जयंती के दिन पता चलेगा। आपकी तरफ से निमंत्रण है, हमने आपसे ये कहा कि पार्टी में जितने लोग हैं सबको से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में रैली में रजत जयंती में आए और नेताजी के जो 25 साल के काम को, आपको ये भरोसा 25 साल से नेताजी ने संघर्ष करके चार बार मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाने का काम किया, रक्षा मंत्री बने, तो कहीं ना कहीं आ करके उनके उस अनुभव जो सरकार का 5 साल का एक छोटी सी बात हम लोग जानना चाहते हैं, उस पे लोग जो है आकर के सुने। गायत्री जी क्या ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी और अमर सिंह मंच साझा करेंगे 5 तारीख को? हम इस पे नहीं कह सकते। आपने कहा दोनों लोगों को इन्वाइट किया है, हमने कहा कि सबको, हमने दोनों लोगों को नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति दी, हमने कहा सबको पूरे प्रदेश में अमर सिंह की तरफ से सहमति आई है। सवाल है कि हमने किसी व्यक्तिगत थोड़ा अमर सिंह को हम कहें, हम तो पूरे प्रदेशवासियों कह रहे हैं, पूरे देशवासियों कह रहे हैं, पूरे देश में हमारी पार्टी है। अब पूरे देश में पार्टी है तो पूरे राष्ट्रीय पार्टी है, तो पूरे देश के वासियों को हमने पूरे राष्ट्रीय के सबको आमंत्रित किया हूँ, प्रदेशवासियों को सबको आमंत्रित कर रहा हूँ और सभी क्षेत्र से कर रहा हूँ। ये आप देखिएगा, आप देखिएगा, कल आप कह रहे हैं, आप ही लोग कह रहे हैं कल कुछ भी हुआ, लेकिन शाम को बैठ करके सब लोगों ने चाय पी की नहीं पी, तो ये माननीय नेताजी हैं और नेताजी पे सब, नेताजी में सब समाये हैं। देखिए नेताजी हमारे, नेताजी देखिए नेताजी हमारे शिव शंकर भोले हैं, उनमें सब समाहित हैं। हम लोग नंदी के रूप में हैं, गणेश के रूप में हैं। आप ये बताओ, अच्छा ये बताओ सही नहीं है? शिव भोले की उपमा है, वो सबको लूले लंगड़े अंधे काने बहरे सब उनके साथ, कोई ऐसा नहीं है जो न चल पड़ा हो, सब लोग पड़े हैं। आप हम लोग बताओ नहीं, हम तो बता रहे हैं उनमें नंदी के रूप में है नहीं सही, आप ये बताओ है कि नहीं सही? उनके तो कोई ना कोई जो है वही जो है हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी गणेश रूप है। अब गणेश जी की अपमान कोई बताए तो गलत है। अब सुनिए क्या जो हिमालय हिल गया है श्री भोले, ये कहीं कुछ नहीं हिला है, सब समय पूरे। और इस वक्त विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। विवेक मुझे साफ साफ ये बताइए कि कल जिस तरह की स्थितियां थी उसमें तो लग रहा था कि जैसे कि ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि शायद सुलह नहीं हो सकती है, लेकिन एक के बाद एक घटनाक्रम बदलते चले गए। और आज जो बयान आया है शिवपाल यादव का कि सभी मंत्रियों की वापसी होगी, जो चार निकाले गए थे,
क्या समझे, अब ऑल इज वेल है। पहले हटाया जाता है गुस्से में, फिर दोबारा से रखने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये कहें कि दरअसल जो चीजें थी वो सुलझ चुकी हैं, अब कोई भी मुश्किलें नहीं है, इस बयान का क्या मतलब निकाले? देखिए, ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ सामान्य है, क्योंकि दोनों लोगों की अपनी अपनी गरज है। अखिलेश यादव को 3 तारीख से अपनी यात्रा निकालनी है, जाहिर है उसमें पार्टी का सबका सहयोग चाहिए होगा। 5 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस समारोह है, रजत जयंती का, उसके लिए शिवपाल को सभी लोगों की मदद चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जाहिर किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी दूसरी है। जो अपनी मांगों को लेकर के दोनों लोग अभी भी अड़े हुए हैं, हालांकि मंत्रिमंडल में वापसी के लिए मुख्यमंत्री तैयार हो गए हैं सभी लोगों की, लेकिन जो कुछ कल हुआ सार्वजनिक मंच पर हुआ और जो समर्थकों के बीच में दरारें आई हैं, उसको कैसे भरा जाएगा, इसका कोई हल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अस्थायी तौर पर यह मामला फिलहाल सुलझा हुआ दिख रहा है। चलिए विवेक, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से विवेक कह रहे हैं कि अस्थायी तौर पर शायद ये मामला सुलझा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कल जो सार्वजनिक तौर पर मंच पर हुआ था उसके बाद यही लग रहा था कि क्या ये अब साथ मिलके आगे बढ़ पाएंगे, क्या उस तरह से दिल मिल पाएंगे। फिलहाल एसपी से निकाले गए सांसद प्रोफेसर राम गोपाल का एक बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जनता ने अखिलेश के नाम पर वोट दिया और किसी के नाम पर नहीं। उन्होंने कहा कि बिना अखिलेश समाजवादी पार्टी का कोई भी वजूद नहीं है। अमर सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुलायम और शिवपाल से जाकर पूछो कि उनमें खास क्या है। राम गोपाल ने कहा कि खोटे सिक्के ने असली सिक्के को पार्टी से बाहर कर दिया। शिवपाल और अमर सिंह पर अटैक करते हुए राम गोपाल ने कहा कि जनता की नजरों में दोनों अपराधी हैं। स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई थी, जो सरकार हमारी पार्टी इससे पहले 3 बार सरकार बनाने के बावजूद बिना जोड़ तोड़ के नहीं बना सकी, वो अखिलेश ने 2012 में बनाई। तो जनता के अगर नेता न होते तो बना लेते, और जनता ने अखिलेश के नाम पे वोट दिया था, कहीं जनता से पूछ लीजिए जाकर। राज्यसभा के सांसद आप रहेंगे? क्यों, राज्यसभा के सांसद क्यों नहीं रहेंगे? हमने कोई पार्टी अपने मन से छोड़ दी? एंटी डिफेक्शन लॉ तो उन पर लागू होता है जो अपने मन से पार्टी छोड़ें, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है उन पर तो कोई, हम तो परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सर पे कोई, अब हमारे ऊपर न कोई विप है न कोई पाबंदी, जो मेरे अंतर्मन में होगा बिना किसी दुराव के छिपाव के मैं बात करूंगा। अरे कई बार ऐसा होता है, इकोनॉमिक्स में भी ये बताया गया है कि कई बार जो खोटा सिक्का होता है वो असली सिक्का को बाहर कर देता है मार्केट से, तो खोटा सिक्के ने असली सिक्के को मार्केट से बाहर कर दिया है।